देशाचे उज्ज्वल भविष्याच्या निर्माणासाठी आपण सर्वजण मदत कराल, तसेच देशाच्या अमृतकाळामध्ये देशाला विकसित बनवाल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी रोजगार मेळाव्यावेळी केले. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये रिक्त जागांवर निवड केलेल्या उमेदवारांसाठी भारतीय डाक विभागाच्या पोस्ट मास्तर जनरल नवी मुंबई क्षेत्रातर्फे मंगळवारी रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. हा मेळावा आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात संपन्न झाला. या रोजगार मेळाव्यात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उमेदवारांना नियुक्ती पत्राचे वाटप करण्यात आले. या मेळाव्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे युवकांसोबत संवाद साधला. दरम्यान हा रोजगार मेळावा देशभरात 46 ठिकाणी आयोजित करण्यात आला असून महाराष्ट्रात पुणे, नागपूर, नांदेड आणि पनवेल अशा 4 ठिकाणी संपन्न झाला. देशभरातून निवड गेलेले नवीन कर्मचारी टपाल विभाग, भारतीय लेखा परीक्षण आणि लेखा विभाग, अणुऊर्जा विभाग, महसूल विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, संरक्षण मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांसह विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विभागांमधून रुजू होणार आहेत. यावेळी नवी मुंबई, पनवेल, उरण, ठाणे, पालघर परिसरातून 365 यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्राचे वाटप करण्यात आले. रोजगार मेळावा रोजगार निर्मिती तिला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी एक पाऊल आहे. रोजगार मेळावा पुढील रोजगार निर्मितीमध्ये उत्प्रेरक म्हणून काम करेल आणि तरुणांना त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि राष्ट्रीय विकासात सहभागासाठी अर्थपूर्ण संधी प्रदान करेल असा सरकारला विश्वास आहे. तसेच रोजगार मेळावा तरुणांचे सक्षमीकरण होऊन राष्ट्रीय विकासासाठी त्यांचे योगदान लाभेल. या सोहळ्याला खासदार श्रीरंग बारणे, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे, शिवसेनेचे महानगर प्रमुख प्रथमेश सोमण, भाजपचे पनवेल शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. मैं समझता हूं 9 वर्ष का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसका आप भी पढ़ते लिखते होंगे, देखते होंगे कैसे एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, यानी विश्व की सबसे 5 कमजोर 5 जो इकोनॉमीज थी, वीकेस्ट 5, फ्रेजाइल 5, उसमें से भारत एक माना जाता है. और आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना. यह हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का बात. हम सब इसमें प्राइड ले सकते हैं, हम सब गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे हम संतुष्टि महसूस कर सकते हैं? तो मैं समझता हूं नहीं. अब बहुत लंबा रास्ता आगे चलना है. आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 2047 तक इसको 10 गुना बढ़ाकर 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है. जो जिस प्रकार से आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, बिना भेदभाव के लाभार्थियों को सभी सुविधाएं मिले, सभी सरकार के जो जो स्कीम्स के अंतर्गत उनको लाभ पहुंचता है वो पहुंचे, डायरेक्ट बैंक के खाते में जाए, बिचौलिया दलाल वगैरह को समाप्त करें, भ्रष्टाचार को समाप्त करें, ये जो सब प्रयास रहे हैं, आपको इस सब प्रयासों को आगे लेके जाना है, उसका हिस्सा बनना है. आज सरकार में तो नौकरियां अन्य अन्य रूप में दे ही जा रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में जो इस सरकार के काम हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे बड़े प्रमाण में जो देश भर में मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया जा रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, ये अलग अलग योजनाओं से आज निजी क्षेत्र में भी बहुत बड़े सारे अवसर तैयार किए जा रहे हैं. इसी प्रकार से स्टार्टअप्स हो, स्टार्टअप्स की दुनिया में भी नए लोग नए नए आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं. तो एक देश भर में एक नए क्रांति की तरह प्रगति और विकास की यात्रा शुरू हो गई है. गेल्या जवळपास 9.5 वर्षांमध्ये देशाची प्रगती आणि देशाचा इतिहास आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु जगाच्या पाठीवरती भारताचं नाव सक्षमपणे करण्याचं काम आणि भारताला एका वेगळ्या स्थानावरती नेऊन ठेवण्याचं काम माननीय प्रधानमंत्र्यांनी केलेलं आहे. G20 माध्यमातून भारताची प्रतिमा जगाच्या पाठीवरती एक वेगळी प्रतिमा उंचवली गेली. भारत एक जगाच्या पाठीवरती सक्षम करण्याचं काम
माननीय प्रधानमंत्री यांनी केलेलं आहे. गेल्या 2014 देशाची सत्ता आल्यानंतर देशभरातील युवकांना नोकरी देण्याचं आश्वासन दिलं आणि त्याचाच एक भाग म्हणून देशभरातल्या तरुणांना विविध सरकारी नोकरी देण्याचं काम या माध्यमातून रोजगार मिळवायच्या माध्यमातून होत आहे. आज जवळपास 51,000 नियुक्तीपत्र या माध्यमातून दिली जाणार आहे. देश के सबसे बलवान और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उनके साथ काम करने वाले पीयूष जी को तो बहुत सारे विभाग का अनुभव है. रेल मंत्री हो या अन्य विभाग का कार्यकाल उन्होंने किया है. मैंने 9.5 साल से उनको करीब से देखा है. केवल राजनीति ने एक सक्षम नेता के रूप में, एक सक्षम मंत्री के रूप में उनका कार्य निश्चित रूप से चलता है. केवल राज्यसभा में नहीं तो लोकसभा में भी मैंने कई बार उनको सुना है. माननीय पीयूष जी, आप आए यहाँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ. आपके नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश की प्रगति और प्रगति के इस रूप में हमें भी देखने का अवसर मिला. पिछले हफ्ते में एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय इस देश की महिलाओं के रूप में लिया गया कि उनको 33% यहाँ पर देश के पार्लियामेंट में, वहाँ पर और विधानसभाओं में उनको स्थान मिलेगा. ये ऐतिहासिक निर्णय दुनिया में पहला है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी का और राज्यसभा के नेता आदरणीय पीयूष जी है, मैं उनका, पूरे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, हमारे सांसद बारने जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूँ. देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश भर में हर क्षेत्र में हो रहा है. और हम जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पनवेल का क्षेत्र है, नवी मुंबई का क्षेत्र है, कि आने वाले समय में यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, मुंबई को पनवेल से, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाएगा. पनवेल रेलवे स्टेशन एक बहुत ही बड़े रेलवे स्टेशन के रूप में बढ़ रहा है. आदरणीय पीयूष जी का भी उसमें योगदान है. हम देख रहे हैं जेएनपीटी के 4 पोर्ट यहाँ पर है, तो आने वाले समय में अभूतपूर्व ऐसा डेवलपमेंट आने वाले समय में इस क्षेत्र का होगा. और इस डेवलपमेंट को शेप अप करने के लिए आप सभी का भी योगदान इसी तरीके से बना रहेगा. आदरणीय पीयूष जी का स्नेह पनवेल को इसके पहले भी मिल चुका है. उनके पिताजी, उनका डेवलपमेंट फंड एज एन MP पनवेल को मिला हुआ था. आज उनके रूप में फिर एक बार ये कड़ी और ज्यादा जुड़ती रहे, आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन. जय हिंद.